प्लॉट से नर कंकाल मिलने की खबर जैसे ही लोगों को मिली, सनसनी मच गई। अब पूरे प्लॉट के इलाके को पुलिस ने घेर लिया है और साथ ही जांच तेज कर दी है। कहां से आए ये नर कंकाल, पूरा मामला क्या है, पुलिस का इस पूरे मामले में कहना क्या है, स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सब कुछ आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक खाली पड़े प्लॉट से नर कंकाल मिलने से दहशत फैल गई। नरकंकाल के मिलने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी। देखते ही देखते ये खबर इलाके में आग की तरह फैलती चली गई। देखने वालों का हुजूम उमड़ पड़ा। मौके पर फोरेंसिक टीम के साथ पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। स्थानीय लोग इस घटना से खौफजदा हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। बर्रा में दामोदर नगर में एक खाली प्लॉट में कुछ नर कंकाल के अवशेष मिले हैं। यहाँ स्थानीय लोगों से बात करने पर पता चला है कि ये पहले यहाँ पर नहीं था। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई फेंक कर इसे गया है। जल्द ही इस घटना का अनावरण स्थानीय पुलिस के द्वारा किया जाएगा। फोरेंसिक टीम के मुताबिक सभी कंकाल 10 से 15 साल पुराने हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स के द्वारा जो है स्केलेटन को एग्जामिन किया गया। इसमें डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के 4 स्केलेटन जो है बरामद हुए हैं। ये सभी जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं उनके अनुसार लगभग 10 से 15 साल पुराने हैं और संभवतः ऐसा लग रहा है कि ये कहीं से लाकर के वहाँ पर डंप किए गए हैं। फिलहाल सभी जो है बॉडी पार्ट्स को फॉरेंसिक की टीम ने अपने कब्जे में ले लिया है और उनकी डेटिंग और एग्जामिनेशन के लिए उनको लेबोरेटरी भेजा जा रहा है। सवाल है कि आखिर अचानक से नर कंकाल प्लॉट में कैसे आ गए? बिना खुदाई के जमीन के ऊपरी हिस्से में पड़े कंकाल कई सवाल खड़े कर रहे हैं।